मॉडर्न विद्या मंदिर, पब्लिक स्कूल, शिव कॉलोनी, रेलवे रोड, पड़बर। पॉलिटिकल साइंस पार्ट दो, एक दल के प्रभुत्व का दौर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर एक है, दूसरा आम चुनाव कब हुआ? 1957 में। दूसरा क्वेश्चन है, सन 1957 के चुनावों के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ? केरल। तीसरा है, भारतीय जनसंघ की स्थापना निम्नलिखित वर्ष में हुई? 1951। निम्नलिखित में से किस नेता ने कांग्रेस को जन आंदोलन का रूप दिया? महात्मा गांधी ने। भारत में तीसरी आम चुनाव संपन्न हुई 1962 में। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। सातवा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी। आठवां है कि प्रथम तीन आम चुनावों में किस राजनीति दल का प्रभुत्व बना रहा? कांग्रेस पार्टी का। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को छाता संगठन की संज्ञा दी? पामर ने। कांग्रेस, प्रश्न आता है नंबर एक, कांग्रेस पार्टी को छत्री संगठन को कहा जाता है? आंसर है इसका, पामर ने कांग्रेस पार्टी को छाता संगठन कहा। कांग्रेस पार्टी की स्थापना सन 1885 में की गई। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय भारत में राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थीं कि समाज का प्रत्येक वर्ग भारत को स्वतंत्र देखना चाहता था। इसलिए जब 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई, जब समाज का प्रत्येक वर्ग अपने छोटे मोटे मतभेद भुलाकर कांग्रेस के मंच पर आ गया। कांग्रेस में सभी धर्मों, जातियां, भाषाओं, क्षेत्रों तथा समुदायों के लोग शामिल थे। आगे चलकर डॉक्टर अम्बेडकर ने कांग्रेस पार्टी की तुलना एक सराय की तराय से की थी, जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए खुले हुए थे। प्रश्न नंबर दो, 1952 से 1957 तक एक दल कांग्रेस पार्टी की प्रधानता के कोई चार कारण लिखिए। भारत में एक दल के प्रभुत्व के किन्हीं चार कारणों का उल्लेख करें? ये दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। आंसर देखो इसका, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। कांग्रेस पार्टी की प्रधानता का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि इसमें देश के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व प्राप्त था। दूसरा पॉइंट है, इसमें विरोधी दल कांग्रेस में से ही निकले हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभिक वर्षों में जितने भी विरोधी दल थे, उनमें से अधिकांश दल कांग्रेस में से ही निकल गए थे। अतः लोगों ने अलग हुए गुटों को वोट देने की अपेक्षा कांग्रेस पार्टी को ही वोट देना उचित समझा। तीसरा पॉइंट है, राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में समानता। कांग्रेस एवं उसकी विरोधी पार्टियों के कार्यक्रमों में काफी समानता पाई जाती थी, इसलिए भी मतदाता अन्य दलों की अपेक्षा कांग्रेस पार्टी को ही वोट देते थे। गठबंधन सरकारों की सफलता। कांग्रेस की प्रधानता का एक कारण राज्यों में गठबंधन सरकारों की सफलता थी, जिसके कारण लोगों का गैर कांग्रेसी सरकारों से मोह भंग हो गया। तीसरा प्रश्न है, भारतीय दलीय व्यवस्था की कोई चार विशेषताएं बताइए। नंबर एक, भारत में बहुदलीय प्रणाली। भारत में बहुदलीय प्रणाली है। दूसरी, एक दल के प्रभुत्व युग का अंत। भारत में लंबे समय तक, विशेषकर 1977 तक कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा, परंतु वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व समाप्त हो चुका है और उसकी जगह अन्य दलों ने ले ली है। तीसरा, सैद्धांतिक आधारों का अभाव। राजनीतिक दलों का सैद्धांतिक आधारों पर संगठित होना अनिवार्य है, परंतु हमारे देश में ऐसे दलों का अभाव था जो ठोस राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धांतों पर संगठित हों। चौथा है, क्षेत्रीय दलों की बढ़ रही महत्ता।
वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में क्षेत्रीय दलों की महत्ता निरंतर बढ़ती जा रही थी। चौथा प्रश्न है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्रीय सिद्धांतों के अनुसार चुनाव में भाग लेना। दूसरा पॉइंट है शासन दल अथवा विपक्षी दल के रूप में भूमिका निभाना। तीसरा पॉइंट लोगों को राजनीतिक रूप में जागृत करना। चौथा पॉइंट है सरकार द्वारा लोगों में एक योजक का काम करना। पांचवा प्रश्न है इसमें कि भारतीय जनसंघ पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना सन 1951 में हुई थी। इसके संस्थापक श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जनसंघ एक देश एक संस्कृति एवं राष्ट्र पर जोर देता था। जनसंघ का कहना था कि भारत और पाकिस्तान को मिलाकर अखंड भारत बनाया जाए। यह दल अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्ष में था। इस दल ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएं देने का विरोध किया। सन 1952 के चुनावों में इस दल को 3 सीट, 1957 के चुनावों में इस दल को 4 सीटें मिली। इस दल के मुख्य नेताओं में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री दीनदयाल उपाध्याय एवं श्री बलराज मधोक शामिल थे। अब आता है निबंधात्मक प्रश्न। भारत की दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो। भारत दलीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषता है। भारत में बहुदलीय प्रणाली है। एक दल के प्रभुत्व युग का अंत। भारत में लंबे समय तक विशेष अधिकार या विशेषकर 1977 तक कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा, परंतु वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व समाप्त हो चुका है और उसकी जगह अन्य दलों ने ले ली है। तीसरा है सैद्धांतिक आधारों का अभाव। राजनीतिक दलों का सैद्धांतिक आधारों पर संगठित होना अनिवार्य है, परंतु हमारे देश में ऐसे दलों का अभाव है जो ठोस राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धांतों पर संगठित हो। क्षेत्रीय दलों की बढ़ रही महत्ता। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में क्षेत्रीय दलों की महत्ता निरंतर बढ़ती जा रही है। क्षेत्रीय दलों की बढ़ रही महत्ता भारतीय दलों एक प्रणाली की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें क्षेत्रीय दलों की महत्ता लगातार बढ़ती जा रही है। छठा है व्यक्तिगत या व्यक्तित्व का प्रभाव। लगभग प्रत्येक भारतीय राजनीतिक दल में किसी विशेष प्रतिनिधित्व की अति महानता है। कांग्रेस में सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी तथा बाद में राजीव गांधी दल का एक केंद्र बिंदु बने हुए थे तथा वर्तमान में श्रीमती सोनिया गांधी दल का केंद्र बिंदु है। भारतीय जनता पार्टी में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय राजनीतिक दलों में सिद्धांतिक या सिद्धांतों की अपेक्षा व्यक्तिगत की अधिक महत्व है। दलों में गुटबंदी। कोई भी ऐसा भारतीय राजनीतिक दल नहीं है जो गुटबंदी का शिकार न हो। दलों में यह गुटबंदी विभिन्न राजनीतिक के व्यक्तिगत की महानता का कारण है। घोषित सिद्धांतों का बलिदान। भारतीय राजनीतिक दलों ने अपने सिद्धांतों को कोई अधिक महत्व नहीं देते। राजनीतिक लाभ के लिए ये दल अपने घोषित सिद्धांतों का शीघ्र ही बलिदान कर देते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत में विरोधी दल की क्या भूमिका है, इसका संक्षेप में वर्णन करें। भारत में विरोधी दल का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना है। विरोधी दल संसद के अंदर और संसद के बाहर सरकार की आलोचना करते हैं। विरोधी दल या आलोचना मंत्रिमंडल के सदस्यों से विभिन्न प्रश्न पूछकर वाद विवाद तथा अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं। वैकल्पिक सरकार। भारत में संसदीय शासन प्रणाली के कारणों विरोधी दल वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए तैयार रहता है। यद्यपि विरोधी दल को सरकार बनाने के ऐसे अवसर बहुत ही कम मिलते हैं। नंबर 3 है शासन नीति को प्रभावित करना। विरोधी दल सरकार की आलोचना करके सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है। कई बार सत्तारूढ़ दल
विरोधी दल के सुझावों को ध्यान में रखकर अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हैं। नंबर चार, लोकतंत्र की रक्षा। विरोधी दल सरकार के तानाशाह बनने से होकर लोकतंत्र की रक्षा करता है। उत्तरदायी आलोचना। विरोधी दल केवल आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं करते, बल्कि सरकार को विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए सुझाव भी देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर विरोधी दल सरकार को पूर्ण सहयोग देता है। नंबर छह, स्तर मतदाता को अपील करना। विरोधी दल सत्तारूढ़ दल को आम चुनावों में हराने का प्रयत्न करता है। इसके लिए विरोधी दल सत्तारूढ़ दल की आलोचना करके मतदाताओं के सामने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न करता है कि यदि उसे अवसर दिया जाए तो वह देश का शासन सत्तारूढ़ दल की अपेक्षा अच्छा चला सकता है। विरोधी दल अस्थायी मतदाताओं को अपने पक्ष में करके चुनाव जीतने का प्रयत्न करता है। और हो गया, इसको आप बोल दो।